Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Nargis Fatma, lecturer from Zoology Department, Pyas College, Kasur. As a co-teacher of course, Evolution and Principles of Systematics. Main teacher is Dr. Muhammad Mudassar Shahzad from Division of Science and Technology from University of Education, Lahore. Our today's topic is Co-Evolution. All the rights of this lecture are transferred to the University of Education, Lahore. Now, let's start the lecture. The conditions that an animal must meet to survive are unique for every species. What many species have in common, however, is that population density and competition impact population in predictable ways. In addition, unstable environmental conditions may prevent animals' population from reaching the carrying capacity of the environment. इसका मतलब ये है कि जो unstable environmental conditions हैं वो रोकती हैं किसी भी animal population को कि वो अपनी carrying capacity की हद तक पहुंच सकें। और जब हम population regulation के हवाले से बात करें तो हमें two types of interactions मिलते हैं या competition मिलते हैं among the populations. इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन तब होता है जब जो है एनिमल्स यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज को और इन सम वे इंटरफेयर विद ईच अदर रिक्रूटमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज। Competition among members of same species called intraspecific competition is often intense because the resource requirement of individuals of a species are nearly identical. अब जो intraspecific competition किसी भी species का जो कि same होती हैं वो बहुत intense होता है, इसलिए क्योंकि जो resource requirement है उस species की individuals की वो तकरीबन identical होती है और ये जो कंपटीशन है इस टाइप का ये विदाउट इंडिविजुअल्स अगर वो डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं भी आ रहे तब भी ये अकर हो सकता है। मिसाल के तौर पर द बर्ड द अर्ली बर्ड दैट गेट्स द वॉर्म मे नॉट एक्चुअली सी द लेटर अराइवल्स। इन अदर इंस्टांसेस द एक्शंस ऑफ वन इंडिविजुअल डायरेक्टली अफेक्ट एन अदर territorial behavior and the actions of socially dominant individuals are example of direct interference. Now what about the interspecific competition? When members of different species compete for resources, one species may be forced to move or become extinct and the two species may share the resources and coexist. सो हम कह सकते हैं कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है वो एक पावरफुल इकोलॉजिकल फोर्स है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। यहाँ आपको दो बार्निकल्स की जो है वो स्पीशीज मिलेंगी, कैथेमिलस और बेलेनस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो किस तरह जो कंपटीशन है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन वो एज अ पावरफुल इकोलॉजिकल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। नाउ हेयर आर थ्री जोन। नंबर वन इज द लोअर इंटरटाइडल जोन एंड द मिडल इंटरटाइडल जोन एंड दिस वन इज द अपर इंटरटाइडल जोन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैथेमिलस इज वेरी वनरेबल टू प्रेडेशन इन लोअर इंटरटाइडल जोन कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं और शिकार हो जाता है कहाँ इंटरटाइडल सॉरी लोअर इंटरटाइडल जोन में जिसको हम यहाँ पे आप एरो में भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्रेडेशन का शिकार हो गया। ठीक है, तो फिर देखें आप कि क्या है कि अगर फर्दर अगर हम मिडल इंटरटाइडल जोन में मूव करते हैं तो क्या है कंपटीशन विद बेलेनस एक्सक्लूड्स कैथेमिलस फ्रॉम मिडल इंटरटाइडल जोन। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो क्या होता है बेलेनस के साथ और बेलेनस एक्सक्लूड कर देता है किसको कैथेमिलस को फ्रॉम द मिडल इंटरटाइडल जोन। यहाँ के आप देख भी रहे होंगे। फिर क्या है अपर इंटरटाइडल जोन, यहाँ पे क्या है जोन इनहिबिटेड बाय एडल्ट कैथेमिलस। इसकी क्या रीजन है कि यहाँ पे जो है अपर इंटरटाइडल जोन में कैथेमिलस जो है एडल्ट कैथेमिलस वो ज्यादा पाए जाते हैं और डेसिकेशन प्रिवेंट्स कैथेमिलस फ्रॉम इनहिबिटिंग हायर लेवल्स
और अगर हम हायर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे डेसिकेशन जो है एक ऐसी इकोलॉजिकल फोर्स है जो कि कैथेमिलस को प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम इनहिबिटिंग द हायर लेवल्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो एक पावरफुल इकोलॉजिकल फोर्स है। नाउ लीफ कटर एंट्स, ये भी एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की। अबव द ग्राउंड एंट्स कट स्मॉल पीसेज ऑफ लीव्स एंड कैरी देम टू देयर अंडरग्राउंड नेट्स। क्या करती हैं एंट्स, छोटे छोटे ये देखें डायग्राम में भी आप देख रहे हैं जो लीव्स हैं और उसके पार्ट्स को कट करती हैं और अंडरग्राउंड फिर उसको ले जाती हैं अपने नेस्ट के करीब। वेयर दे ट्वीड लीव्स एंड रिच सॉइल इन टू द सॉइल बिट्स ऑफ फंजाई आर प्लांटेड दैट ग्रो एंड प्रोवाइड फूड फॉर द एंट्स। और फिर क्या करते हैं कि ये उसको वहाँ चबाती हैं और फिर जो है ढेर सारी जो फंजाई है वो वहाँ पे ग्रो कर जाती है जो कि फिर फूड प्रोवाइड करती है एंट्स के लिए। द एंट्स कैरी ऑन देयर बॉडीज द बैक्टेरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस विच प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट अ फंगल पैरासाइट। अब होता क्या है ये देखें, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो एंट्स हैं उनकी बॉडी में बैक्टेरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस पाया जाता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है बदले में एंटीबायोटिक्स ताकि वो फाइट कर सके फंगल पैरासाइट्स। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल है। यहाँ पे अब एक और एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म के हवाले से। द स्मॉल स्पेनिश हॉक फिश, ये देखें ये स्मॉल स्पेनिश हॉक फिश है, डैशेज इन टू द माउथ ऑफ आ विलिंग ब्रैकुडा, ये विलिंग ब्रैकुडा फिश है, वेयर इट फीड्स ऑन डेब्रिस एंड पैरासाइट्स। और ये फिश किस पे फीड कर रही है, डेब्रिस और पैरासाइट्स पे। द हॉक फिश गेन्स अ मील, अब हॉक फिश को खाना मिल रहा है एंड द ब्रैकुडा गेन्स द क्लीनिंग, और जो ब्रैकुडा है उसकी बदले में क्लीनिंग हो रही है। तो इस इंटरेक्शन से दोनों को ही फायदा हो रहा है, म्यूचुअल फायदा हो रहा है, और इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। नाउ एंट्स एंड अकेशिया, अकेशिया इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्री इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अकेशिया जो है वो एक ट्री है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल रीजन्स में, और एंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं इस ट्री के साथ जो कि आगे फर्दर स्लाइड्स में आपको क्लियर किया जाता है। इन मैक्सिको अकेशिया कॉर्निजीरा हैज़ अ क्लोज म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन विद द एंट ज़िडोमायरमेक्स फेरोजिनाए। ये देखें आप यहाँ पे ये स्पेसिफिक टाइप की जो है एग्जाम्पल है, फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये देखें ये एंट्स हैं जो कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है एक टिप खास टाइप के जो है एकेशिया के ट्री के साथ। नाउ एंट्स एंड एकेशिया, लुक एट दीज टू डायग्राम्स, दिस इज द डायग्राम ए एंड दिस इज द डायग्राम ए। हियर यू कैन सी द एंट्स सिटिंग ऑन द लीव्स ऑफ एकेशियस ट्री एंड हियर इज द एंट एंटरिंग इनटू द होल of a thorn of acacia tree. In figure A, ants feed on the Beltian bodies produced at the tips of the leaves by the acacia tree and of the nectaries along the stems. अच्छा, अब जो ants हैं वो feed करती हैं किस पे, Beltian bodies. Beltian bodies क्या हैं ये आपको ये देखें, ये tip पे, leaf के tip पे ये round सी आपको कुछ bodies नज़र आ रही हैं जिसको हम Beltian bodies कहते हैं। Ants सिर्फ इस पार्ट को खाती हैं और ये न्यूट्रिशियस पार्ट है एंट्स के लिए, और ये जो है एंट्स कट कर लेती हैं और इसको फिर खाती हैं, और इसके अलावा जो है ऑफ द नेक्ट्रीज अलोंग द स्टेम्स, और फिर जो स्टेम के अलोंग जो नेक्ट्रीज हैं उसको। तो ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है एंट्स का। बी में अगर हम देखें तो एंट्स लिव इन द होलो में रहती हैं स्वेलनथोन्स और ऑफ द एकेशिया, और ये स्वेलनथोन्स हैं एकेशिया ट्री के। द एंट्स प्रोटेक्ट द एकेशिया फ्रॉम फाइटोफेगस इंसेक्ट्स एंड फ्रॉम द ओवर ग्रोथ ऑफ कंपीटिंग स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स। तो फिर क्या है कि देखें, एक तो जो है एंट्स फीड कर रही हैं और बदले में क्या है
जो अकेशिया ट्री है वो उनको एक तो शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा जो है एंट्स प्रोटेक्ट कर रही हैं अकेशिया ट्री को फ्रॉम जो है फाइटोफेगस जो इंसेक्ट्स हैं उनसे, और इसके अलावा उन कंपीटिंग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की जो कि ओवरग्रोन करने की कोशिश करती हैं अकेशिया ट्री के अगेंस्ट। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। Now the question is how could such a close relationship evolve? अब question ये arise होता है कि ये जो इतना close relationship है between the acacia and ants ये कैसे evolve हुआ? Perhaps तो answer क्या है? Acacias develop thorns for protection from herbivores. कि acacia ने जो है वो thorns develop कर लिए अपने आप को बचाने के लिए herbivores से। या ants begin to use acacias as nesting sites. एंट्स ने जो है एकेशिया को नेस्टिंग साइट्स के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंट्स डिड नॉट डिफोलिएट द होस्ट प्लांट वुड बी एबल टू कंटिन्यू नेस्टिंग देयर। इन एडिशन इफ दे अटैक नेबरिंग प्लांट्स ऑफ अदर स्पीशीज द होस्ट एकेशिया वुड बेनिफिट एंड सो वुड द एंट्स। कि अगर जो वो एंट जो कि डिफोलिएट नहीं कर पाती थी अपने होस्ट प्लांट को, उन्होंने जो है नेस्टिंग बनाना शुरू कर दी। इन एडिशन और अगर वो अटैक अपने दूसरे नेबरिंग प्लांट्स की अदर स्पीशीज से अटैक हो जाती थी तो होस्ट एकेशिया जो है उनको फायदा पहुंचाता था और इसी तरह जो एंट्स को भी। एंट्स वुड बी प्रीडिस्पोज्ड टू डिफेंडिंग देयर नेस्ट साइट्स। दिस बिहेवियर कुड इजीली बी एक्सटेंडेड टू डिफेंडिंग द होस्ट एकेशिया। Finally, any acacia that produced a food supplement such as nectaries or Baltian bodies would support more ants and thus be favored. और जो plant जो है ज़्यादा nectaries या Baltian bodies produce करता था वो फिर ज़्यादा जो है favor हो जाता था ants से, और ये वजह हो सकती है कि ज़्यादा जो फिर supplement मिल रही होती थी ants को वो फिर उस ट्री से मिलती थी जो कि ज्यादा नेक्टरीज या बेल्टियन बॉडीज प्रोड्यूस करता था। तो ये सारी जो है आंसर्स इस क्वेश्चन के आंसर में हम दे सकते हैं, क्योंकि अब ये क्योंकि रिलेशनशिप जो है म्यूचुअलिज्म का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है और ये इवॉल्व हुआ हुआ है, तो हम मुख्तलिफ वे से इसको सोचते हुए ये मुख्तलिफ जो है हम आंसर करने की कोशिश की। हनीबीज एंड फ्लावर्स। A major revolutionary advancement of the Mesozoic era was the appearance of flowering plants or angiosperms. Mesozoic era की अगर हम बात करें तो major जो evolutionary point of view से advancement हुई थी वो थी कि first time जो flowering plants या जिनको हम angiosperm कहते हैं वो appear हुए थे इसी era में। While the gymnosperms that preceded them और जो कि gymnosperms जो कि इनके बाद में आए relied largely on the wind for pollination. वो बिल्कुल ज़्यादातर rely करते थे pollination के लिए wind पे। Many angiosperms use animals vector to transfer pollen और ज़्यादातर जो है animals को use करते थे as a vector to transfer pollens जो कि angiosperms थे। Among the best known flower pollinators are honeybees. और सबसे best जो flower pollinators हैं वो कौन हैं? Honeybees. Honeybees are attracted to flowers for nectar and pollen. और honeybees जो हैं वो क्यों attract होती हैं किसी flowers की तरफ? Nectar हासिल करने के लिए और pollen. They have specialized pollen baskets. ये देखें आपको pollen baskets भी नजर आ रही हैं on their legs, which are filled with pollen during flower visit. In the visits, the honeybees transfer pollen from one flower to another. अब होता क्या है कि जब भी जो honeybee है वो किसी भी flower का visit के लिए आती है तो ये जो pollen basket हैं इसके अंदर जो है pollens वो store हो जाते हैं, और फिर जब वो किसी भी दूसरे flower की visit पे जाती है तो वहाँ पे वो उसको transfer कर देती है pollens को from one flower to another. Flowers attract pollinators with a variety of elaborate olfactory and visual adaptations. Insects pollinated flowers are usually yellow or blue because insects see these wavelength of light best. In addition, petal arrangements often provide perches for pollinating insects.
अब हम बात कर लेते हैं बर्ड्स के हवाले से, जैसे हमिंग बर्ड्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय हमिंग बर्ड्स ऑन द अदर हैंड आर ऑफन ट्यूबुलर एंड रेड। तो इस किस्म के फ्लावर्स ट्यूबुलर और रेड होते हैं। हमिंग बर्ड्स हैव अपवर्ड सेंस ऑफ स्मेल बट सी द रेड वेरी वेल। उनकी सेंस ऑफ स्मेल तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो रेड कलर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। द लॉन्ग बीक ऑफ हमिंग बर्ड्स इज एन अडेप्टेशन डेट अलाउज देम टू रीच फार इन टू ट्यूबुलर फ्लावर्स। तो जो लॉन्ग बीक पाई जाती है हमिंग बर्ड्स में, वो एक अडेप्टेशन है जो कि उनको अलाउ करती है कि वो ट्यूबुलर फ्लावर्स में डीप इनसाइड जा सकें। देयर हॉवरिंग एबिलिटी मीन्स दैट दे हैव नो नीड फॉर अ पर्च। और उनकी हॉवरिंग एबिलिटी का मतलब है कि उनको पर्च की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। हमिंग बर्ड्स हैव अ सिमिलर कोएवोल्व रिलेशनशिप विद प्लांट्स। वन पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ कोएवोल्यूशन बिटवीन अ हमिंग बर्ड एंड अ फ्लावर प्लांट अकर्स इन द ट्रॉपिक्स। एनसीफीरा, एनसीफीरा इज अ हमिंग बर्ड विद एन एक्सट्रीमली लॉन्ग बिल इन एक्सेस ऑफ 8 सेंटीमीटर। इट फीड्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन पैशन फ्लावर्स विच स्टोर देयर नेक्टर डीप विद इन ट्यूबुलर फ्लावर्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एक्सक्लूड्स वर्चुअली ऑल अदर नेक्टर फीडिंग एनिमल्स, लिमिटिंग कंपिटिशन फॉर द हमिंग बर्ड एंड रिड्यूसिस द चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन विद अदर प्लांट स्पीशीज। तो ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। नाउ फ्लावर ऑफ एन ऑर्चिड, दिस इज एन अदर एग्जाम्पल। नोट द डिस्टिंग्विशिंग नेक्टर गाइड्स द स्पोर्ट्स नियर द सेंटर ऑफ द फ्लावर। नाउ लेट्स डिस्कस एन अदर एग्जाम्पल ऑफ म्यूटुअलिज्म। As you can see in this diagram of birds and crocodiles, this African crocodile relaxes and holds its mouth open. This signals Egyptian plovers to enter and safely feed on fouling parasites and debris. The crocodiles gain a cleaning and the plovers a meal. होता क्या है कि जो जब ये क्रोकोडाइल जो है अपना माउथ ओपन करके रिलैक्स कर रहा होता है, तो जो इजिप्शियन प्लोरल बर्ड्स हैं उनको सिग्नल मिलता है और वो क्या करते हैं कि उसके माउथ में दाखिल होकर जो पैरासाइट्स और डेब्रिस वहाँ पर मौजूद होता है उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल है उसकी सफाई हो जाती है माउथ की, और जो प्लोरर्स हैं उनको खाना मिल जाता है। तो ये दोनों को फायदा दे रहा है इंटरेक्शन। तो ये कौन सा इंटरेक्शन हुआ? म्यूचुअलिज्म। Another example of mutualism is of oxpecker. This red-billed oxpecker forages for parasites on the back of African ungulates. Here the oxpecker is working around the neck of domestic cattle. Parasites tend to collect along the back of the neck where scratching cannot dislodge them. The oxpecker gains a meal and its customers get rid of parasites. तो क्या है कि ये जो रेड बिल्ड ऑक्स पैकर है, ये पैरासाइट्स वगैरह जो कि अफ्रीकन अंगुलेट्स की नेक पे मौजूद होते हैं वहाँ से ये उन पैरासाइट्स को खाता है, और जो कैटल है वो इतनी आसानी से ख़ारिश नहीं कर सकती या स्क्रैच नहीं कर सकती नेक पे मौजूद जो पैरासाइट्स की वजह से होती है, तो ना ही उन पैरासाइट्स को वहाँ से ख़ारिश करके हटा सकती है। तो क्या होता है कि बर्ड जो है वो खाना हासिल कर लेता है, उन पैरासाइट्स को खा लेता है, और जो कैटल है वो उन पैरासाइट से उसको निजात मिल जाती है। तो ये जो बिहेवियर है ये भी किसकी एग्जांपल है? म्यूचुअलिज्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एन अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच इज कमेंसलिज्म। इन सम केसेस इंटरेक्शंस आर नॉट symmetric, i.e. one organism benefits while the other is not impacted. इसका मतलब ये है कि ये इस टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हासिल हो रहा होता है लेकिन दूसरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर आप डायग्राम में देखें कि ये ज़ेब्रा है और ये जो है कैटल एग्रेट बर्ड है। अब ये इसकी बैक पे बैठा हुआ है, इंसेक्ट्स वगैरह खाएगा, लेकिन वो तो खा रहा है, उसको तो फ़ायदा हासिल हो जाएगा, लेकिन ज़ेब्रा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
नाउ ऑर्चिड फ्लावर्स दैट मिमिक स्पेसिफिक फीमेल वेस्ट्स, ये हैं ऑर्चिड फ्लावर्स जो कि बिल्कुल मिमिक्री शो कर रहे हैं फीमेल वेस्ट्स। द फ्लावर्स मिमिक्री अट्रैक्ट मेल वेस्ट्स दैट अराइव अटेम्प्टिंग टू मेट। अब क्या होता है कि जो क्योंकि ये फ्लावर्स बिल्कुल मिमिक्री शो कर रहे हैं फीमेल वेस्ट्स की तरह, तो जो मेल वेस्ट हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इस कोशिश में कि वो उनके साथ मेटिंग कर सकें। इंस्टेड मेल्स ओनली गेट डोज्ड विद पोलन, क्योंकि वो रियल तो फीमेल वेस्ट है नहीं, तो फिर क्या होता है कि सिर्फ जो है वो मेल जो वेस्ट हैं वो पोलन ही हासिल कर सकते हैं, विच दे कैरी टू द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एमरस रेंडवस। क्या मतलब है कि जब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मेटिंग के लिए वो जाते हैं तो वो वहाँ पे सिर्फ पोलन ही पहुँचा सकते हैं, क्योंकि रियल ये वैप्स फीमेल वैप्स नहीं है। नाउ स्कंक कैबेज रोल्ड विद इन इट्स लार्ज लीव्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये देखें आप यहाँ पे स्कंक जो है कैबेज देख भी सकते हैं। When these mature, a pungent odor is released, drawing in insects that naturally seek such odors. तो जब ये mature हो जाते हैं बहुत pungent तेज सी smell release करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि insects जो हैं वो इसकी तरफ कुदरती तौर पर खींचे चले आते हैं इसकी odor की वजह से। In searching within the flower for the odor, they become covered with pollen, which they carry to other plants as they continue their search. और जब वो उस ऑर्डर की सर्च में फ्लावर तक पहुंच जाते हैं तो वो पोलन से कवर हो जाते हैं और फिर जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है वो पोलन को पहुंचा देते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी सर्च को। थैंक यू एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।